जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट वकार अंसारी। किनवा सा जी दोवे चौथा पांचवा। ये जी माशाल्लाह जनाब उस्ताद अशरफ भट्टी साहब का चौथा हुआ पांचवा कबूतर बैठते मनाजर। टाइम प्यारे दोस्तों हो चुका है इस वक्त 4:48। ये जी माशाल्लाह 4:48 दस नंबर मादी। माशाल्लाह ये बैठा है 49 49 48 49 माशाल्लाह। हाँ सर जी जाओ चौथा पंजा बैठा ना चले जाओ चलो तुम ये जी माशाल्लाह दोस्तों जनाब उस्ताद अशरफ भट्टी साहब का चौथा और पांचवा कबूतर बैठा 4:48 और 4:49 पर दो ऊपर है से। जी जी दोस्तों ये फीमेल 4:48 और ये मेल 4:49। पहली बड़क ये 6 बजे बैठा 6:24 6:25 दूसरी बड़क पे 6:35 आज 4:49 माशाल्लाह जी 3 दिन की बड़ी कमाल एवरेज बनाई इस परिंदे ने। बहुत शानदार परिंदा माशाल्लाह बहुत शानदार परफॉर्मेंस ये दोस्तों साथ रहिएगा आपको इनके भी स्टैंप वगैरह चेक करवाते हैं और इस परिंदे का शौक भी करवाते हैं कि जिसने ये शानदार परफॉर्मेंस दी है 4:00 पहली परवाज 6:25 फिर दूसरी परवाज 6:35 और आज तीसरी परवाज 4:49 इसका आपको शौक करवाते हैं मुकम्मल। बहुत से दोस्त अहबाब इस परिंदे से वाकिफ हैं ये तकरीबन 3 साल से इस छत पे शाम की परवाजें दे रहा है। टुच के नाम से मशहूर है ये परिंदा। 4:48 पे बैठ के कभी इस जाल पे बैठ रही फीमेल माशाल्लाह। ये है फिटनेस परिंदों की ये है शान कसूर की। हाँ ये पहली परवाजी फीमेल रात रह गई थी अगले दिन बैठी थी। ये देखें कभी इस जाल से उस जाल पे ये जी इसकी परफॉर्मेंस के बारे में फिर आपको अपडेट करता चलूं। ये जनाब उस्ताद अशरफ भट्टी साहब के घर का परिंदा है पहली परवाज 6:25 दूसरी परवाज 6:35 तीसरी परवाज 4:49। अभी आप तमाम तर दोस्तों ने लाइव इसको बैठते देखा तो दोस्तों इसकी स्टैंपें इसका शौक मैं आपको करवाता हूँ। फड़ लो साहब जी फड़ लो ये फीमेल दोस्तों पहली परवाज रात रह गई थी ये फीमेल अगले दिन आई अगले दिन उसके बाद स्टैंप में डाल दी तो आज ये तीसरी परवाज 4:48 पर बैठी है। ये जो साशर भट्टी साहब ने वो कबूतर पकड़ लिया जो पहली परवाज बैठा था 4:25 दूसरी परवाज 6:35 तीसरी परवाज 4:49। ये जी फर्स्ट स्टैंप ये 3 स्टैंप तमाम तर दोस्त
देख सकते हैं ये परिंदा जी माशाल्लाह, शायद राख आँख दिखाएं परिंदे की परवाज के बगैर। माशाल्लाह जी सादे मतलब में अपने घर की ब्रीड है ये। हाँ जी टैडी टैडी माशाल्लाह बहुत आउट क्लास, पर साजी दिखा दे रहे चैंपियन परिंदा माशाल्लाह। मेरे ख्याल से कसूर शहर में 3 दिन की इससे ज़्यादा एवरेज किसी परिंदे की नहीं है। पहले दिन 6:25, दूसरी 6:35, तीसरी परवाज 4:49 माशाल्लाह। साजी छोड़े इसको निश्चित नीचे बैठ कर शौक रहा था, फीमेल को जरा उतारे तो सर फीमेल भी उतरती है। ताड़ लो फीमेल उतरती उसका भी आपको, उसकी भी आपको स्टैम्प पे चेक करवाते हैं लाइव वीडियो के दौरान इंशाल्लाह ताला, उसकी भी स्टैम्प पे आपको चेक करवाते हैं और उसका शौक भी करवाते हैं आपको। और इससे पहले जनाब उस्ताद अशरफ भट्टी साहब के जो परिंदे बैठ चुके हैं उनका भी आपको शौक करवाते हैं। आज उस्ताद अशरफ भट्टी साहब की परफॉर्मेंस माशाल्लाह शानदार रही है, इनका पहला परिंदा ही 2 बजे के करीब बैठी चिट्टी करनी वाली ले जी आ गई अंदर। अभी इसको सास बड़ी साहब इसको पकड़ते हैं तो आप तमाम तो दोस्तों को इसकी स्टैंप पे चेक करवाता हूँ, इसका शॉप करवाता हूँ। उसके बाद जिससे पहले जो परिंदे बैठ चुके हैं मुंसब भाई ये देखिए सब ले आया रोले जरा। अच्छा मैं आ गया चलो अंदर साजी बेहतर है। ये जी माशाल्लाह फीमेल जो 4:48 पर बैठी है, ये जी माशाल्लाह तमाम तर दोस्त इस टाइम पे चेक कर सकते हैं। पहली परवाज ये घर नहीं बैठ सकी थी, 2 फीमेल रात रह गई थी साशर बेटी साहब की, जिनमें से एक ये फीमेल थी। ये 3 स्टैम्प पे आज शानदार परवाज माशाल्लाह 4:48, ये 4:49 टाइम दसना भाई ये मतलब पहले पैर पे पहली स्टैंप फोकस, ये दूसरे मोड़ पर दूसरी स्टैंप, ये दूसरे तीसरे पर तीसरी स्टैंप, ये 3 स्टैंप हैं इस परिंदे की। पहली प्रवास थी 6:24 की, 6:24 दूसरी प्रवास थी इसकी कितने बजे बैठा है दूसरी प्रवास से? 4:11 4:11 आज तीसरी प्रवास आज बैठा है 4:07 माशाल्लाह छोड़े साजी। ये दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में भी जनाब उस्ताद अशरफ भट्टी साहब ने बताया हमें, क्या शानदार परफॉर्मेंस रही इस परिंदे की भी। छोटा डैडी कितने बजे बैठा है? नमा पाया सी ये आज पहली स्टंप में जी, वो मदर रात रहा किसी ने नहीं आ सी जी जी दूसरी परवाज में। कितने बैठा है वाला? 1:55 1:55 पर ये टैरी। हां जी 1:55 ते मदी बैठी सी नहीं साजी। अच्छा वो बैठा है कितने बजे बैठी मदी? वो आज 4:14 2:14 हम 3 मोर हैं जी साजी। पहली स्टंप सफेद मोर ते सफेद पर ते 1 2 ये तीसरी, ये तीसरी दोस्तों मैं फोकस कर लूँ जरा एक मिनट, ये दोस्तों 1 2 ये 3 स्टैम्प है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह जनाब उस्ताद अशरफ भट्टी साहब के 5 परिंदे अब तक बैठ चुके हैं, 2 परिंदे ऊपर खैर से, 1 बिल्कुल शो है। मुनसफ ने भी मुझे तस्दीक कर दी है, मुनसफ ने मुझे बता दिया कि उसने देख ली है फीमेल, तो बता रहे थे कि चिट्टी करनी वाली फीमेल है जो अभी निकली है, कटी करनी वाली फीमेल। ये माशाल्लाह 5 परिंदे शानदार परफॉर्मेंस लेकर बैठे हैं। 1:55 पर पहला, 2:05 पर दूसरा, 2:04
उसी मिनट अंदर आ जाए आप। ये जी सबसे पहले जो ऊपर आप डैडी कबूतर देख रही हैं, पहली स्टैंप में था ये बैठा है 1:55 पर। ये जालदार जो फीमेल है ये दूसरे नंबर पर बैठी है 2:04 पर। इसके बाद ये सेंटर में जो कबूतर बैठा है फिका सलारा, ये 4:07 पर दोस्तों। और इसके साथ जो 10 नंबर फीमेल आपको नजर आ रही है ये दोस्तों 4:48 पर। और ये साल का फेमस 2-3 साल पुराना कबूतर टैडी कबूतर टोचे 4:49 पर। और इस टोच की पहली परफॉर्मेंस आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूं। ये दोस्तों पहली प्रवास में बैठा है 6:25 पर, दूसरी प्रवास 6:35, तीसरी प्रवास 4:49। शानदार परफॉर्मेंस दोस्तों माशाल्लाह। हाँ ये जो सेंटर वाला कबूतर है इसकी पहली प्रवास थी 6:24, दूसरी प्रवास थी 3:44 और आज 4:07 पर। माशाल्लाह जी अदला मुनसफ कौन कौन है हजीर रफीक साहब वाला तुसी मुनसफ भाई सब ठीक कोई मसला कोई परेशानी तो नहीं थे सब ठीक है और मुनसफ तुसी भाई मुनसफ जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਫ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਸਲ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਅਸ਼ਰਫ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਨਕੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਅਸ਼ਰਫ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੋ ਟੀਮ ਵਰਕ ਇਨਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੈ ਇਨਕੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਮੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਰ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ अच्छा फीमेल कटी कितनी कितनी ऊंची है काफी ले दोस्तों अभी काफी हाइट में है 5 बज गए हैं तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा लाइव हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त अपने होस्ट वकार इंसारी को दें इजाजत और सॉरी जितने भी दोस्तों ने सलाम कहा हम मुझे कहा उस अशरफ भट्टी साहब को कहा सबको वालेकुम अस्सलाम। सर जी आपको काफी दोस्तों ने सलाम बोला वालेकुम अस्सलाम। नहीं तब तक के लिए दें इजाजत इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा लाइव हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।